बेस टू टॉप कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा। परफेक्ट फिट और सुपर हिट के अंदर। अच्छा, पूरी गाड़ी पूरा काम बिल्कुल स्टार्ट है। स्टेरिंग कवर सिला जा रहा है, पूरा सीट कवर लग चुका है। नीचे आप देखेंगे तो क्रोकोडाइल फ्लोरिंग मैट्स, उसके बाद पूरा डैशबोर्ड का पीस, डोर का पीस, सब कुछ खुल चुका है क्योंकि इसके अंदर हम कर रहे हैं इंटीरियर अनुवाद लोगों के साथ। ये तो बिल्कुल प्रॉपर लोगो लग गया है और पीछे का जो रिम है उसको ब्लैक कर दिया है। गाड़ी चलेगी तो पूरा एलॉय का फील, बिल्कुल एलॉय का फील आएगा भैया, परफेक्ट रहने वाला है। हमने इसके अंदर लगाया गया भैया ब्लैक के साथ, जैसे कि ये है, अब मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। चलो तो भाई ये ओपन हो गया हमारा। अच्छा ये देखो, ये सेटअप है पूरा, ये सेटअप है। आराम से आप हाथ रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकते हैं, गिलास वगैरह रख सकते हैं, पानी का बोतल रख सकते हैं। तो गाइस वंस अगेन हम लोग आए मैग्नाइट किंग के पास और आज का शूट हमारा पार्किंग से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि भाई काफी ज्यादा मैग्नाइट यहाँ लगी हुई है। आज एक ये मैग्नाइट है, एक आगे है, एक वहां से आगे है, तो भाई पूरा आज मैग्नाइट का काफिला आया। तो राकेश भैया कैसे हो? बढ़िया, परफेक्ट फिट और सुपर हिट बिल्कुल जबरदस्त। और देख सकते हैं अपने पास बेस मॉडल आ चुका है, ठीक है। और इसके अंदर हम हर एक चीज काम कर रहे हैं, बेस टू टॉप कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा। परफेक्ट फिट और सुपर हिट के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फ्रंट में जो हम लगाएंगे, ठीक है। इसके अंदर एलईडी लगाने वाले, फोग लाइट लगाने वाले हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने इस ORVM चेंज नहीं किया ऑटोमेटिक, वही मिरर है जो बेस मॉडल में लग के आता है। और साथ में आप देख पाएंगे यहाँ पे हम इंडिकेटर डाले। अच्छा, उस मिरर के अंदर बेस वाले में भी इंडिकेटर डाले हैं और साथ में यहाँ पे 360 कैमरा। अच्छा, नीचे ठीक है 360 कैमरा लगा रहे हैं, फ्रंट में भी और रियर और दोनों मिरर के अंदर टोटली 360 कैमरा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे भैया इंडिकेटर लगाओ, इसको हटा के फेंक देंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे लगाने वाले हैं बिल कवर, ठीक है। बिल कवर लगाने वाले हैं, डोर वाइजर यहाँ पे लग चुका है और अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो पूरा काम बिल्कुल स्टार्ट है। अच्छा, पूरी गाड़ी पूरा काम बिल्कुल स्टार्ट है। स्टेरिंग कवर सिला जा रहा है, पूरा सीट कवर लग चुका है। नीचे आप देखेंगे तो क्रोकोडाइल फ्लोरिंग मैट्स, उसके बाद पूरा डैशबोर्ड का पीस, डोर का पीस, सब कुछ खुल चुका है क्योंकि इसके अंदर हम कर रहे हैं इंटीरियर। अच्छा, इंटीरियर कर रहे हैं चेरी कलर के अंदर बिल्कुल जबरदस्त। साथ में स्पीकर जो इसके अंदर लगाया गया भैया JBL का लगाया गया है, ठीक है। आगे और पीछे चारों दरवाजे के अंदर JBL का लगाया गया है। साथ में आप देख पाएंगे तो यहाँ पे पार्सल ट्रे वगैरह, सार कंटीना, टोटली कम्प्लीटली सेटअप, एम्बियंस लाइट वगैरह, तो सब कुछ इसके अंदर हम कर रहे हैं। A to Z कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो गाड़ी बिल्कुल ओपन है, सब कुछ खुल चुका है और बिल्कुल कम्प्लीटली। अभी थोड़ा टाइम लगेगा होने में, ठीक है लेकिन जो इसके अंदर मॉडिफाई कर रहे हैं बिल्कुल अल्टीमेट लेवल कर रहे हैं, ठीक है, बहुत जबरदस्त, ठीक है। तो काम वगैरह बिल्कुल स्टार्ट है, सब कुछ सेंटर लॉक से लेकर के हर एक चीज तक इस गाड़ी में हम कर रहे हैं। चलो तो गाइस रेडी हो जाएगी तब हर एक चीज डिटेल में दिखा, बिल्कुल एक एक करके दिखाएंगे बढ़िया, एक एक करके फिनिशिंग से लेकर के हर एक चीज आपको चेक कराएंगे क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट फिट और सुपर हिट के साथ काम किया जा रहा है इस गाड़ी। चलो तो गाइस कार को रेडी होने देते फिर आपको हर एक चीज डिटेल में दिखाता हूँ। सो गाइस फाइनली हमारी मैग्नाइट का काम टोटली कंप्लीट हो चुका है और आफ्टर मॉडिफिकेशन UP16 स्पेशली बाय नोएडा से आई थी, तो A to Z कंप्लीट है। और आप लोग को आज प्रोजेक्टर वाला फोग लैंप मैं आप लोग को दिखाऊंगा क्योंकि इसमें ओरिजिनल आता है, आफ्टर मार्केट दोनों भाई LED होता है। बट अगर गाइज आप लोग चाहते हो कि मेरे येलो रोशनी में चाहिए तो भाई आप लोग आफ्टर मार्केट वाला फोग लैंप लगा सकते हो। तो राकेश भैया कंप्लीट है, बिल्कुल गाड़ी कंप्लीट है भैया, ठीक है। फ्रंट से बिल्कुल सब कुछ 360 कैमरा से लेकर के LED से लेकर के फोग लाइट वगैरह सब कुछ इसके अंदर लग चुका है, ठीक है। जैसे कि हेडलाइट में देख सकते हैं इसके अंदर LED लगाया गया है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट 160 वाट में है। साथ में नीचे फोग लाइट में भैया को येलो ही चाहिए था, इसको येलो ही रखा गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे 360 कैमरा हमने लगाया है इसके अंदर, ठीक है। 360 कैमरा बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल जो एंड्रॉइड सेट लगाया गया बिल्कुल उसी के साथ आता है, 4:32 के साथ, और बिल्कुल क्लैरिटी के मामले की बात करो तो जबरदस्त। चलो भाई जबरदस्त रहने वाला है, ठीक है। तो फ्रंट के अंदर भैया यही किया गया है, ठीक है। साइड सेटअप में जाते हैं भैया, फोग लैंप हमारा प्रोजेक्टर वाले येलो ही रखा गया है, ठीक है। इसमें कोई व्हाइट नहीं किया गया, लेकिन इसके अंदर आप व्हाइट LED डालवाना चाहते हैं तो व्हाइट LED। अच्छा, इसी के अंदर लग सकता है, इसके अंदर लग सकता है, वरना ओरिजिनल और आफ्टर मार्केट दोनों LED आता है। हाँ, उसमें इनबिल्ट आता है, उसके अंदर आप LED नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये यूनिवर्सल आता है, गोल होता है, यूनिवर्सल आता है, इसके अंदर आप LED लगवा सकते हैं, लेकिन जो स्क्वायर शेप में आता है तो उसके अंदर LED डाल नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट व्हाइट कलर की रोशनी होती है। चलो गाइस बढ़िया चीज है गाइस। तो फ्रंट फेसिंग से अगर बात करें तो यही कुछ मॉडिफिकेशन हुई है। ये हमारी कार का साइड प्रोफाइल रहने वाला है और हमारे एलॉयज वाले व्हील कवर लग गए यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं व्हील कवर लगा दिया गया है, ठीक है। सोन डिजाइन है लेकिन हम यहाँ पे निशान वाले लोगों के साथ, ये तो बिल्कुल प्रॉपर लोगो लग गया है और पीछे का जो रिम है उसको ब्लैक कर दिया है। गाड़ी चलेगी तो पूरा एलॉय का फील, बिल्कुल एलॉय का फील आएगा भैया, परफेक्ट रहने वाला है, ठीक है। साथ में आप ये देखेंगे मिरर
ये नॉर्मल मिरर है, सरकार गाड़ी का जो लग के आया था नॉर्मल मिरर वही है, इसमें कोई भी मोटराइज वाला ऑटोमेटिक वाला सिस्टम नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन इंडिकेटर इसके अंदर हमने लगाया है, ठीक है, इंडिकेटर स्टार्टिंग में दिखा रहे थे उसी मिरर में, उसी मिरर के अंदर है, लेकिन इसका एडजस्टिंग आपको अंदर हाथ से ही करनी होगी। एक बार राइट का इंडिकेटर करना रह गया तो गाइस यहीं से आप लोग को दिख जाएगा, ये देखो, ये देखिए यहाँ के इंडिकेटर हटा दिया है हमने और यहाँ पे बेंट लगा दिया गया है, ठीक है, और उसी मिरर के अंदर आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ जो है हम बिल्कुल दिखाऊंगा, देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमने काम किया है, कोई बता नहीं सकता है जो बाहर से काम होगा, बिल्कुल इतना गारंटी मैं आपको देता हूँ, उसी मिरर के अंदर, उसी मिरर के अंदर हुआ है, कोई नहीं बता सकता है जो बाहर से ये काम किया गया है, पूरा ऑटो फोल्ड लग रहा है, टॉप मॉडल का मिरर लग रहा है, कोई नहीं बता सकता है जो ऑटोमेटिक ये नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि हमने काम उसी तरीका से किया है, चाहे किसी चीज पे आप जाइए, फिनिशिंग पे जाइए, कटिंग पे जाइए, हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीका से हर एक चीज लगा करके और फिनिशिंग के साथ इसको फिट किया है। चलो भाई बढ़िया चीज है। और इंडिकेटर जो है ये आप देख सकते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा जो लोकल है, बिल्कुल निशान का रहने वाला है। अच्छा, इंडिकेटर अलग से आता है? इंडिकेटर अलग से आता है, जो आपके गाड़ी के अंदर मिरर लगा हुआ है नॉर्मल वाला, उसके अंदर इंडिकेटर आप लगवाते हैं, जैसे सर की गाड़ी में लगवाया है, ठीक है, तो आप ये जो अपना इंडिकेटर है लाइट्स है, ये ओरिजिनल निशान का ही है, लोकल कुछ भी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बेल्ट के बाद आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डोरवाइजर लगाया गया है, ठीक है, जो रहने वाला सीएन लीक का परफेक्ट फिट और सुपर हिट सीएन लीक का रहने वाला है, इसमें रस्ट जंग वगैरह नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ब्रांडेड है, लोकल में कुछ भी नहीं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद लोअर गार्निश आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड स्टील का रहने वाला है, जो यहाँ पे लगाया गया है 6 पीसेस के अंदर, ठीक है, ये स्टैंडर्ड स्टील है, सीएन लीक का ये भी रहने वाला है, इसमें भी रस्ट जंग वगैरह नहीं पकड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टील है, चाहे पानी जाए चाहे कुछ भी जाए, तो बिल्कुल परफेक्ट है, कभी भी इसके अंदर जंग नहीं पकड़ेगा, ठीक है। साथ में बात करें भैया, तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटे से डोर गार्ड लगाया गया, इसके अंदर डोर गार्ड लगाया गया, चारों दरवाजे के अंदर देख सकते हैं, आगे बड़ा होता है पीछे छोटा होता है, ठीक है, ठीक है, तो बढ़िया चीज है, आई पॉप का लगाया गया, बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद नीचे ये जो ब्लैक वाले जैसे इसमें आप रैपिंग भी करवा सकते हैं, जो सर के गाड़ी में नहीं किया गया है, ऑप्शन आप ऑप्शन है, करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर ने देखो यहाँ बम्पर जो है बम्पर एडक्टर लगवाया है, ठीक है, ठीक है, ब्लैक के साथ क्रोम रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद सार कंटेनर सर के हिसाब से व्हाइट कलर बोले थे, व्हाइट कलर लगाया गया, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, कलर में कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दो लाइट के बीच में यहाँ पे डिक्की गार्निश लगाया गया है, बिल्कुल ये भी निशान का जेन्युइन ही पार्ट्स है, लोकल कुछ भी नहीं है, इसमें भी रस्ट जंग वगैरह बिल्कुल नहीं लगेगा, और साइड से जो उखड़ने का समस्या रहता है वो बिल्कुल नहीं होगा। चलो भाई, क्योंकि ये निशान का जेन्युइन पार्ट्स है, ठीक है। डिक्की खोलते हैं भैया, तो यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे आपको मिल जाएगा, ये देखो भाई पार्सल ट्रे, पार्सल ट्रे है, बाकी जो सेट वगैरह लगा सामान लगा है सर के डिक्की में हमने डाल दिया है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं, धमाकेदार एंट्री करते हैं इंटीरियर में, और इंटीरियर में हम दिखाते हैं क्या क्या किया है। चलो गाइस सीधा मैं आप लोगों को इंटीरियर चेकआउट करा। सो गाइस ये हमारी कार का कुछ इंटीरियर रहने वाला है, और अगेन हम लोग चेरी, क्योंकि चेरी पे भाई बहुत अच्छा खासा प्यार सपोर्ट आ रहा है, तो ये पूरा चेरी है, ये पूरा हमारा लाइटनिंग का सेटअप हो गया, पूरा हमारा K3 का, ये भाई हमारा सीट कवर थाई सपोर्ट के साथ, स्टेयरिंग कवर राइस पूरी लोडेड, बिल्कुल। जैसे कि आप देखेंगे डोर में चेरी कलर लगाया गया है, ठीक है, ठीक है, डोर पैनल के अंदर, ठीक है। साथ में एम्बियंस लाइट लगाया गया भैया। स्पीकर की बात करें तो JBL लगाया गया आगे और पीछे दोनों, JBL को एक्सियल लगाया गया है, ठीक है, कंपोनेंट इसके अंदर नहीं लगाया गया, ठीक है। साथ में जो मिरर में हमने आपको दिखाया था, तो बाहर से इंडिकेटर लगा है, तो एडजस्टिंग आपको हाथ से अंदर से ही करना है। देखो भाई एडजस्टिंग आपको यहीं से मिलेगा, ऑटो फोल्डिंग का सेटअप नहीं मिलेगा, बिल्कुल परफेक्ट है, ओरिजिनल तरीके से काम होगा, कोई वायरिंग कट नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट फिट और सुपर हिट, बिल्कुल बढ़िया काम किया जाता है। साथ में डैशबोर्ड में भी पूरा लेदर लगाया गया भैया, देखो एम्बियंस लाइट देख सकते हैं आप, एम्बियंस लाइट लगाया गया, एम्बियंस लाइट के अंदर K3 होता है, K4 होता है, K5 भी होता है, ठीक है, तीनों ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो आपको अच्छा लगे वो लगवा सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ सीट को आप देखेंगे भैया, ब्लैक के साथ चेरी कॉम्बिनेशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद सीट की बात करें तो थाई सपोर्ट, पूरा थाई सपोर्ट ही होगा, थाई सपोर्ट है बिल्कुल, और परफेक्ट फिट और सुपर हिट, बिल्कुल। इसके अंदर जो फोम डाला गया है भैया, वो 40 डेंसिटी का फोम है, 20 mm का फोम रहने वाला है, ठीक है। इसका जो फिनिशिंग है अभी वो ऐसे ही फिनिशिंग रहेगा, फिनिशिंग में कोई डल वगैरह चाहे फिर लूज वगैरह चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फिशिंग जैसे है वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। साथ में आप देखेंगे आमरेस पे भी हमने सेम टू सेम कलर कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं गाड़ी में, मैं बैठ जाता हूँ तो नीचे आप क्रोकोडाइल फ्लोरिंग दिखा सकते हैं, ये देखो भाई ये है सबसे बड़ी क्रोकोडाइल, उसके बाद ऊपर से 5D मैट दिखा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो यहाँ पे दिखा सकते हैं तो 360 व्यू कैमरा वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, पूरा हमारा भी गेट खुला हुआ ना प्रॉपर तरीके से वर्किंग करता है, बिल्कुल। यहाँ पे देखो भाई मैं इंडिकेटर हटाता हूँ, उसका इंडिकेटर हटाए तो प्रॉपर काम करता है, ये देखो जैसे आप 3D में आते हैं, इंडिकेटर हटाइए, ठीक है। तो गाइस दोनों हमें गेट बंद करना होगा, गेट बंद करने के बाद ही होगा यहाँ पे, ये देखिए जैसे हम इंडिकेटर हटा दिए
करता हूँ। तो अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 360 का व्यूज है, जैसे इसको हम खोलते हैं तो यहाँ पे देखिए 3D का व्यू आ जाता है। पीछे करते हैं तो यहाँ पे आपको सारा ऑप्शन मिल जाता है, साइड का, इधर का, उधर का, मतलब पूरा क्लियरिटी होगा। देखिए फ्रंट अभी आप दुकान अपना देख सकते हैं, पूरा क्लियरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइड में देख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट देख सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, सब कुछ ओके रिपोर्ट नजर आएगा आपको। चलो बढ़िया। सो गाइस स्टीयरिंग कंट्रोल पूरा हमारा लग चुका है क्रूज के साथ, जो आप लोग चेकआउट कर पाओगे। ये हमारा चेरी कलर का हमारा पूरा का पूरा हमारा स्टीयरिंग कवर भी हो गया, साथ में डबल टोन है, मून डबल टोन के अंदर हो गया है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, और जो इसका जो स्लाइड स्टिचिंग वगैरह होता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से होता है, कम से कम एक घंटा लगता है इसके स्टिचिंग के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिचिंग वगैरह फिनिशिंग ये निकल गया था भाई, परफेक्ट तरीके से लगा दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो यही काम किया गया भैया। अब चलते हैं पीछे, जो सीट पे जो हम आर्मरेस्ट लगाए हैं। अच्छा, आर्मरेस्ट भी इसमें इंस्टॉल किया गया, वो चीज दिखाते हैं आपको, क्योंकि एक बार पिछले बार जो हम लगाए थे उसके बाद काफी रिस्पॉन्स आया है और काफी हम लगा चुके हैं। इस गाड़ी में भी हम लगाए हैं और उसका ढक्कन जो है वो पियानो ब्लैक के अंदर ही लगाए हैं, तो चल के वो दिखाते हैं। चलो तो गाइस सीधा मैं आप लोग को आर्मरेस्ट दिखाता हूँ। सो गाइज ये हमारी कार का कुछ रियर प्रोफाइल रहने वाला है और रियर सीट। तो यहाँ पे आप लोग बताया भाई हमारी एक्सी थी एएमटी वाली, तो उसके अंदर हमारा यहाँ पे आर्मरेस्ट का कुछ सेटअप नहीं आता है, तो यहाँ पे स्पेशली उसी सीट के अंदर आर्मरेस्ट लगा देगा, ये पूरा कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, तो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। राकेश जी एक बार दिखाना कैसे क्या सेटअप रहने वाला है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं बेस मॉडल इजी स्विफ्ट है, एएमटी है। इसके अंदर क्या होता है, पीछे आपको सिंगल बैक आता है, सिंगल बैक, इसमें आर्मरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो भैया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पीछे रियर आर्मरेस्ट, जो भैया देखे थे रियर आर्मरेस्ट, तो ये रियर आर्मरेस्ट इसके अंदर लगाया गया भैया, ग्लॉसी ब्लैक के साथ, जैसे कि ये है। अब मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। चलो तो भाई ये ओपन हो गया हमारा। अच्छा ये देखो, ये सेटअप है पूरा, ये सेटअप है, आराम से आप हाथ रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकते हैं, गिलास वगैरह रख सकते हैं, पानी का बोतल रख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, जो देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीका से फिटिंग है, हर एक जगह से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आता, तो आप लोग भी आराम से लगवा सकते हैं। ये सीट के ऊपर नहीं अटकता, इसके ऊपर घरारी होता है, यहाँ पे उसके ऊपर अटकता है। ठीक है, बिल्कुल सीधा रहता है, स्ट्रेट रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं आता इसमें, बिल्कुल ओरिजिनल आर्मरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, और बिल्कुल ज्यादा कॉस्ट नहीं है, कमी कॉस्ट है इसका, तो आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं आर्मरेस्ट का रेट, और मेरे से लगवा सकते हैं। और बंद करने में भी देखिए आप, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग हो जाता है, और जो बीच में आदमी बैठेगा उसको बिल्कुल ये चुभेगा नहीं। चलो भाई ये बढ़िया चीज है। तो राकेश जी ये सब काम करवाना है आपसे, काम करवाना है मैग्नाइट का, किसी कार का, तो कहाँ पे आना है भैया? मेरा दुकान कार कस्टम अल्टीमेट करोल बाग में है। ठीक है, ठीक है, कार कस्टम अल्टीमेट के नाम से, अल्टीमेट जरूर लिखा होना चाहिए उसके पीछे, कार कस्टम अल्टीमेट, आपका नंबर आ रहा होगा, कार कस्टम नहीं, कार कस्टम अल्टीमेट, और मेरा नाम है राकेश तिवारी। ठीक है, मैं अपने शॉप का सिंगल मतलब कि ओनर हूँ, डबल नहीं, पार्टनरशिप में मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे मालिक। तो आप मेरे संपर्क कर सकते हैं करोल बाग में आकर के, कार कस्टम अल्टीमेट जो पदम सिंह रोड पे रहने वाला है। ठीक है, और मेरे दुकान का साथ में ईगल ऑटोमोबाइल्स है। ठीक है, तो गाइस ये देख लो साथ साथ। ठीक है, ईगल ऑटोमोबाइल मेरे दुकान के साथ में। ठीक है, तो आ करके आप ईगल ऑटोमोबाइल के साथ में मेरा दुकान है कार कस्टम अल्टीमेट, तो आ करके काम करवा सकते हैं। ऊपर लिखा होगा एनके ढाल, नीचे लिखा होगा कार कस्टम अल्टीमेट, क्योंकि मेरा बोर्ड भी अभी नया बन रहा है, तो एनके ढाल छुप भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, तो बढ़िया बोर्ड बना रहा हूँ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। ठीक है, तो आप लोग आइए और काम करवाइए। मेरा मेन है अल्टीमेट का ध्यान देना, बिल्कुल अल्टीमेट का जरूर ध्यान देना है, कार कस्टम तो और भी मतलब कि मिलता जुलता है नाम, और भी बंदे के पास है, लेकिन मेरे पास जो है कार कस्टम अल्टीमेट है आप लोगों के प्यार से। ठीक है, तो आइए काम करवाइए पदम सिंह रोड पे, और मेरा नाम है राकेश तिवारी, याद रखना है, राकेश तिवारी के पास जाना है और किसी के बंदे के पास नहीं। और मिलते जुलते नाम से जाते हैं और पूछते हैं राकेश है, तो वो आपको बहाना भी मार सकता है, गांव गया है, चाहे इधर गया है, चाहे उधर गया, तो बिल्कुल नहीं, आपको कार कस्टम अल्टीमेट पे आना है और मैं आपको मिल जाऊंगा, मेरा नंबर आपको वीडियो में शो कर रहा होगा, तो आप आइए काम करवाइए बढ़िया डिस्काउंट के साथ, बढ़िया एक नंबर का निशान का जेन्युइन पार्ट्स में काम करते। चलो बढ़िया चीज है गाइस, तो सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया, तो आप लोग मैग्नाइट मॉडिफिकेशन प्लान का डू कॉन्टेक्ट कार कस्टम अल्टीमेट।